बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं इस ड्रेस में, क्या कहना चाहेंगे, क्या विन किया है आपने और कितनी खुशी हो रही है, दलदल कितनी खुशी हो रही है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्ते एंड थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जॉयल एंटरटेनमेंट प्रेजेंट टीन मिस्टर मिस मिसेस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट की थी और मिस कैटेगरी में विन की हूँ। और इसके लिए सैंडी सर को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी कि उनका सपोर्ट, उनका गाइडेंस मेरे को बहुत हेल्प किया सो दैट मैं ये विन की हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि टाइटल विन करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे मॉडलिंग ये सब चीज़ों के लिए अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं है और वहाँ पे आपको स्कोप कभी नहीं मिलेगी। आप बाहर जाओगे तभी आपकी सोसाइटी आपको रोकेगी, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। कितना चैलेंजेस रहा ये सफ़र, कैसे हुआ, कैसे आपने जॉयल एंटरटेनमेंट के टच में आई और कैसे फिनाले तक पहुँची और कैसे आपने ये टाइटल जीता? टफ तो मेरे लिए बहुत था क्योंकि मैंने कभी सीखा नहीं है, कहीं पे ट्रेनिंग नहीं लिया है, खुद से सीखी हूँ। और उसके बाद फैमिली प्रेशर रहती है, सोसाइटी जहाँ पे हूँ मैं वहाँ पे मेरे को बहुत लोग बोलते हैं मॉडलिंग करती है ये वो, क्योंकि वहाँ पे इसके लिए प्रायोरिटी नहीं है। और मेरे को मेरे फ्रेंड ने बोला था कि जॉयल एंटरटेनमेंट है जिनका शो होता है, तो मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हुई। उसके बाद फाइनल्स के लिए कॉल आया, फाइनल्स के लिए कॉल आया तो हम लोगों का, मैं 10 तारीख यहाँ पहुँची, 11-12 को हमारा ग्रूमिंग हुआ। ग्रूमिंग में हम लोगों को ग्रूमर ने बहुत कुछ सिखाया, जैसे कैसे वॉक करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद 13 मार्च को हमारा फिनाले हुआ और फिनाले में हम लोगों का 3 राउंड हो रहा था। तो पहले राउंड में बीच वेयर था, बीच वेयर में हम लोगों को इंट्रोडक्शन देना पड़ा। उसके बाद ट्रेडिशनल में हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ था। उसके बाद फाइनल्स में हमारा विनिंग क्राउन मोमेंट हुई। और एक मॉडल होने के नाते आपने ये सब विन तो कर लिया है, लेकिन एक प्रॉपर मॉडल होने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? हाइट हो गई, पर्सनैलिटी हो गई, स्माइल हो गई, आँखें हो गई, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो क्या एक परफेक्ट वूमन के लिए क्या ज़रूरी होता है? पहली बात तो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ। आप अगर खुद से कॉन्फिडेंस नहीं कर पाओगे तो आप कभी कुछ चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे, तो वो इम्पॉर्टेंट है। फिटनेस पे आपको ध्यान देना होगा। अगर आप एक मॉडल हो तो मॉडल का मतलब होता है नमूना, कोई चीज़ को लोग देखेंगे तभी आप जो दिखता है वही दिखता है, डायलॉग वही है। तो अगर हम खुद को रिप्रेजेंट अच्छे से करेंगे तो बहुत ही आगे जा सकते हैं। फिटनेस के ऊपर हो गया, डाइट के ऊपर आप कंसंट्रेट करिए। उसके बाद कम्युनिकेटिव स्किल, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी से बात नहीं कर सकते हो तो आप आगे जाके खुद को वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, तो सब चीज़ कहाँ से बिलोंग करते हो और यहाँ तक पहुँचने कैसे पहुँचे उसके बारे में? जी, मैं ओडिशा से बिलोंग करती हूँ और ओडिशा के एक बहुत ही छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ से बिलोंग करती हूँ, नुआपड़ा खरियार से। और वहाँ पे मैं एक लौती मॉडल हूँ जो कि मॉडलिंग करती है और अभी धीरे धीरे वहाँ के बच्चे भी ट्राई कर रहे हैं। जब वहाँ पता चला कि आप यहाँ मिस यूनिवर्स टाइटल जीत चुकी हैं तो कैसा रिएक्शन रहा वहाँ का, कैसे लोगों ने अप्रिशिएट किया या कॉल करके सेलिब्रेशन किया कुछ? किसका कॉल सबसे पहले किसका आया था? सबसे पहले तो पापा का कॉल आया था, उसके बाद वहाँ पे जो मतलब है अधिकारी लोग जो भी हैं तो उनका कॉल आया था, जिलापाल उनका भी आया था कि वहाँ की लड़की हूँ यहाँ पे आके अपना विन करना वो बहुत बड़ी बात होती है। और सेलिब्रेशन मेरे को वहाँ पे बहुत अच्छे से वेलकम किए कि बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारी विशेस किए। कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जिन्होंने टांग भी खींची होगी, अरे क्या नहीं, मेरी केस में वैसा नहीं हो रहा होगा। जी नहीं, मेरी केस में वैसा नहीं है। पहली बात मैं मॉडलिंग कभी करना नहीं चाहती थी, मेरे ही फ्रेंड थे जो कि मेरे को फोर्स किए कि तू कर सकती है, ट्राई कर। एक मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने ही मेरा रजिस्ट्रेशन किया जब मैंने स्टार्ट किया 2020 में। उसके बाद मेरे को भी इंटरेस्ट आया, तो मेरे फ्रेंड सब हमेशा से सपोर्टिव हैं। और एक फ्रेंड है मनोरंजन पटनायक, वो बहुत ही सपोर्टिव है, वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा गाइड करते हैं, सपोर्टिंग बहुत है। सर नाम क्यों लिया मनोरंजन का? वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है इसीलिए। कुछ कहना चाहोगे मनोरंजन का, इसके पीछे आप टाइटल जीता है उसके पीछे कुछ मनोरंजन का हाथ है?
जी मनोरंजन कहा, कितना मनोरंजन है उनका आपके इस सफलता में? वो मनोरंजन और मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है। मैं भुवनेश्वर में रहती हूँ, अकेली रहती हूँ, तो डांसेस, डांस क्लास, गिटार क्लास, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है जिम क्लासेस के लिए, वो मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि तू यहाँ पे जा, खुद को मेंटेन कर और कम्युनिकेटिव स्किल बढ़ा, सो दैट तू लोगों से बात करे, इंटरेक्ट करे, और वो हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं। आपकी लैंग्वेज जो है वो डिक्शन जिसको कहते हैं ना बॉलीवुड में, और पता नहीं चल रहा है कि आप वहाँ से बिलोंग करती हैं, आपका पर्टिकुलर हिंदी बहुत अच्छा है, ये कैसे हुआ? जी थैंक यू। हिंदी का ऐसे मूवीज वगैरह हम लोग देखते हैं तो उसी से मैं सीख गई हूँ। अगला कदम क्या है बॉलीवुड में, क्या करने वाली हैं, क्या कर रही हैं बॉलीवुड का कुछ प्लान क्या है अगला? अभी बॉलीवुड में तो एंट्री करनी है, अभी एक म्यूजिक एल्बम हमारा शूट होने वाला है तो उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। ओके, बॉलीवुड में किस किसको लाइक करती हैं, हीरो हीरोइन कौन सबसे पसंदीदा, और फ्यूचर में उसके साथ काम करना पसंद करेंगे या करना चाहेंगे? ऐसी पर्सनल फेवरेट तो कोई नहीं है, क्योंकि एक्टिंग जिसकी अच्छी लगती है मुझे वो सब अच्छे लगते हैं। नवाजुद्दीन है, उसके बाद कैटरीना कैफ मेरे को बहुत अच्छी लगती है, विकी कौशल और आयुष्मान खुराना, इन लोगों को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। ओके, अगला क्या होने वाला है, इसके बाद क्या तैयारी चल रही है और क्या करने वाले हैं? इसके बाद अपनी एक्टिंग स्किल पे फोकस कर रही हूँ कि अच्छे से एक्टिंग वैक्टिंग सीख लूँ और बॉलीवुड में एंट्री करूँ तो धमाकेदार एंट्री हो। अंजू बहुत बहुत स्वागत है, और क्या कुछ कहना चाहेंगे आपने, बहुत आपके सर पे जो ताज अभी आप जीत कर आई हैं बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहला रिएक्शन क्या था जब आप आपका अनाउंस नाम अनाउंस किया गया विनर बनी, तो पहला रिएक्शन क्या था आपका? तो थैंक यू सर, तो जब अनाउंसमेंट हुई तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि पार्टिसिपेंट बहुत टफ थे, उनके साथ कम्पीट करना मतलब वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, एक छोटी जगह से आके यहाँ के बच्चों के साथ कम्पीट करना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है, यहाँ पे लोग ट्रेनिंग लेके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि मैं कुछ ट्रेनिंग नहीं दी थी, और अनाउंसमेंट होने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, और मेरे एरिया के लोग भी बहुत खुश हुए कि छोटे एरिया से जाके पुणे में अपना नाम कमाना, वो मिस यूनिवर्स टाइटल विन करना बहुत बड़ी बात है। कैसे सफ़र शुरू हुआ ये, क्या पहले से ही प्लान था आपका कि मुझे मॉडल बनना है, एक्टर बनना है, या कैसे ये अमल में जहन में आया कि हाँ मुझे मॉडल बनना है? जी नहीं, पहली बात तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया था मॉडलिंग मुझे करना है, क्योंकि मुझे रिसर्च लाइन में जाना था, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ, तो उसी के लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी। तो कॉलेज में मेरे को फ्रेंड बोले कि मॉडलिंग ट्राई कर सकती है, उसके बाद उन्होंने बिना बताए मेरा रजिस्ट्रेशन करवा दिया, तो वहाँ पे मुझे जाना पड़ा। जाने के बाद वहाँ पे एक टाइटल विन की, उड़ीसा ब्यूटी एक्सपो 2020 हुआ था मिस बेस्ट वॉक का, उसके बाद मुझे भी कुछ सीखने का मिला, क्रिएटिव चीज़ें होती रही वहाँ पे, तो मुझे इंटरेस्ट आया कि चलो ट्राई करते हैं, लोगों को मेरे ऊपर विश्वास है तो मैं खुद क्यों नहीं करूँगी। उसके बाद वह मिस टियारा क्वीन ऑफ भारत 2021 रायपुर में हुआ था, वहाँ पे फर्स्ट रनर अप रही, उसके बाद गई थी फेस ऑफ सेंट्रल इंडिया 2021, वहाँ पे मिस परफेक्ट रही, उसके बाद यहाँ पे एक हर्ष नाम के एक फ्रेंड है, उन्होंने सजेस्ट किया कि वहाँ पे जाओ रॉयल एंटरटेनमेंट मिस यूनिवर्स में, तो यहाँ के लिए ट्राई की, प्रैक्टिस बहुत की है मैंने, खुद के ऊपर बहुत काम किया है, तभी मैं ये टाइटल गेन कर पाई। ज्वेल का कितना ये रहा आपका प्रदर्शन रहा, और उनकी पूरी टीम है उसके बारे में? डे वन से ही सर बहुत सपोर्टिव थे सैंडी सर, तो उनके पूरा टीम बहुत कोऑपरेटिव है, जो जो चीज़ें समझ में नहीं आती है वो चीज़ें आराम से बैठ के समझाते हैं कि आपकी यहाँ पे चूचे इसको मतलब करेक्ट करो, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दो, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस ग्रो करो, सो देट फेस में स्माइल रखो, खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट करो, और सैंडी सर को मैं बहुत ही ज़्यादा थैंक यू करूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिया, इसी वजह से मैं विन की हूँ, और सर ने मुझे बहुत गाइड किया है, सपोर्ट बहुत रहा है उनका, अभी भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, तो थैंक यू सर। आपने ये इतना बड़ा जवाबदारी आपके कंधे पर है और आपने जीता है, क्योंकि आपका इस तरह का भी है ख्याल कि सोसाइटी को, समाज को भी मुझे कुछ देना है, जिसने सर जिसने आपको दिया, समाज ने बहुत कुछ दिया आपको,
तो सोसाइटी के लिए क्या सोचा है आपने? जी सर, जैसे कि हमारा कंजर्वेटिव एरिया है तो वहाँ पे कोई भी अभी तक भी, हालांकि मैंने विन किया है, फिर भी उनको लगता है कि ये सब चीज़ें ना गलत है, मॉडलिंग एक्टिंग जो भी है तो गलत है। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि ये सब गलत नहीं है, आप ट्राई करो। पहली बात है कि इसको स्टडी करो क्या है क्या नहीं। ऐसे ही आप एक कमेंट कर देते हो कि ये ख़राब है, उसकी वजह से ना बहुत लोगों के ऊपर बहुत नेगेटिविटी आती है कि नहीं ये सच में ख़राब है। जब मैं भी जब एंट्री की तो मुझे भी लगता था कि नहीं ये ख़राब हो सकती है। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको बहुत कुछ बोलते हैं, जो कि मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं हुआ है, बहुत कुछ बोलते हैं। तो इसीलिए मैं भी डरती थी, बट अभी जब मैं एंट्री की हूँ तो मुझे फील होता है सेफ है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है ना, तो आप बहुत आगे जा सकती हो। और मेरे एरिया में थोड़ी बहुत चेंजेस लाना चाहती हूँ और वहाँ पे भी बोल। हाँ, उड़ीसा में थोड़ी मतलब इन सब चीज़ों को लेके बहुत लोग नेगेटिव बातें सुनते हैं, आने नहीं देना चाहते। उड़ीसा में, हाँ, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा ये है कि मॉडलिंग अच्छी करियर नहीं है, आप स्टडी करो नहीं तो घर पे रहो। स्पेशली लड़की हो तो आपको बाहर जाना अलाउड नहीं है, घर पे रहो, घर का काम करो, स्टडी करो। स्टडी में जॉब होता है, अच्छी बात नहीं होता, फिर भी शादी कर लो। और मॉडलिंग वॉडलिंग में स्कोप नहीं मिलता, उसके बाद बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करते। बट सपोर्टिव है मेरे पेरेंट्स, तो मेरे को बहुत ही सपोर्ट मिला है, तो जो भी मैं करना चाहती हूँ मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे। चलिए चलिए, जो रह गए जो जिन्होंने विनर नहीं, आपके साथ में पूरा उनका सफ़र चला लेकिन कुछ कारण बस वो रह गए पीछे और आपने हाँ। टाइटल जीत लिया, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपके साथ चले थे और कुछ एक कदम पीछे रह गए? जी, वो लोग भी बहुत टफ कंपटीटर थे मेरे लिए, 19-20 का फ़र्क था कि मैं लकी थी शायद, तो मैं विन कर बैठी, अदरवाइज वो बहुत ही अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट किए, सबने अपना बेस्ट दिया है। चलिए, विश्वास, थैंक यू।